दोस्तों आजकल पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है और खुद को इंडियन एयरफोर्स से बेहतर बताते नहीं थक रही है, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो खुले मंच से भारत को धमकी भी दी है और कहा है कि अब पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि हमला कर देगा। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आका चीन से 25 की संख्या में नए फाइटर जेट प्लेन्स खरीदे हैं, इनमें से 6 की डिलीवरी हो भी गई है। पाकिस्तान इतना खुश इसलिए है क्योंकि उसे लगभग 40 साल बाद कोई नया विमान मिला है और पाकिस्तानी इसे भारत के राफेल का जवाब मानते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं 1980 के दशक में, जब इसराइल अपने लावी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा था। अब ये लावी प्रोजेक्ट क्या है? लावी प्रोजेक्ट के तहत इसराइल एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो अपने जमाने का सबसे एडवांस्ड हो और अमेरिकन जेट्स से भी बेहतर हो। उसी जमाने में सेम टाइम पर अमेरिका बना चुका था F-16 विमान, जो कि सबसे विध्वंसक माना जाता था और अमेरिका इसे पूरे विश्व में बेचना चाहता था, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा था इसराइल का लावी प्रोजेक्ट। इसलिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फाइनली इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया, जो अब अर्धविकसित अवस्था में अपने फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार था। इसराइल ने अमेरिकी दबाव में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर दिया और अब यह लावी जहाज उनके लिए एक कबाड़ था। इस बीच चीन ने किसी तरह से इस कबाड़ को बेचने के लिए इसराइल को मना लिया और थोड़े बहुत डिजाइन में चेंजेस करने के बाद इसे तैयार कर दिया और नाम दिया J-10। अब वही विमान J-10C के नाम से पाकिस्तान को बेच दिया और ये कहकर कि इसमें राफेल विमान को हराने की पूरी काबिलियत है। राफेल विमान रियल वॉर सिनेरियो में ट्राइड, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है, वहीं J-10C की काबिलियत अभी तक सिर्फ कागजों पर ही दिखी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल एक अत्याधुनिक डेडली एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के सबसे घातक मीटियोर मिसाइल से लैस है और चाइनीज विमान से इसका कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। वैसे आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा।